गुरुवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में 8 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने कार्यवाही के बावजूद धरने को जारी रखा। विभिन्न तहसीलों से आए भारी संख्या में लेखपालों ने जमकर नारेबाजी किया। जिला अध्यक्ष का कहना है कि जब तक सरकार हमारी सारी मांगे पूरी नहीं करती तब तक लेखपाल संघ का अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। लेखपाल संघ ने इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ धरने पर बैठे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए खजनी तहसील के महामंत्री अश्वनी सिंह और जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ नीलकंठ धर दुबे ने कहा, हम लोग का चौथा दिन है जिसमें जो है कल में हमारे 18 साथियों को निलंबित कर दिया गया है और 462 लोगों को बर्खास्त करने का जो नई नियुक्ति है उनको नोटिस दिया जा रहा है और हमारे आंदोलन को दमन करने के लिए पूरा कुचक्र रचा जा रहा है जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और इसके क्रम में हम लोग और मजबूत तरीके से खड़े हैं। अश्वनी सिंह, तहसील मंत्री, खजनी। चौथे चरण की धरना है, धरना हमारा चल रहा है। जब तक हमारी मांगों पर विचार नहीं होगा तब तक हमारा धरना चलता रहेगा। कल जिला प्रशासन द्वारा हमारे धरने को समाप्त करने के लिए दमनात्मक कार्रवाइयाँ की गई है। हमारे पूरे जनपद के 18 लेखपालों को निलंबित किया गया है। हमारे तहसीलों के उस 18 में जनपद की 7 तहसील हैं, हमारे अध्यक्ष मंत्री को निलंबित किया गया है और जिला स्तरीय पदाधिकारी में जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री और हमारे दोनों उपाध्यक्षों को निलंबित किया गया है। सरकार के इस दमनात्मक रवैये से हम बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। इनके दमनात्मक रवैये के कारण हमारे साथी जो हैं बिल्कुल दुगुने तिगुने उत्साह से बिल्कुल धरना स्थल पर उपस्थित हुए हैं। 469 नवनियुक्त साथियों को हमारे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसकी परवाह नहीं है, इसकी बिना परवाह किए हमारे साथी बिल्कुल धरना स्थल पर डटे हुए हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। यह धरना हमारा गोरखपुर का लोकल धरना नहीं है, यह प्रदेश स्तरीय धरना है। प्रदेश के सभी जनपदों में यह धरना चल रहा है, इसलिए इसमें कोई समझौते का प्रश्न ही नहीं उठता है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हमारा धरना चलता रहे। जिला प्रशासन से बात करने का मेरा कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि मांग तो हमारे प्रदेश स्तरीय है। यह हमारी मांगों के संबंध में वार्ता हमारा प्रदेश नेतृत्व और प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनके प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा यह वार्ता होना है। आज जब तक उनसे वार्ता नहीं होगा तो लोकल स्तर पर जनपद में जिला प्रशासन से वार्ता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हमारी 8 सूत्री मांगे हैं। पहला, वेतन विसंगति है। जो हमारे नियुक्ति के बाद आज की तारीख में एक चपरासी और एक लेखपाल नियुक्त होता है, 10 साल की पदोन्नति वेतन मान जो ACP कहलाता है, ACP में हमको 10 साल के बाद चपरासी और लेखपाल और बाबू को एक ग्रेड पर वेतन दिया जाता है, इसलिए इसका टोटल विरोध है। दूसरा, वेतन उच्चीकरण। उत्तर प्रदेश के समस्त विभागों में सुपरविजन का काम हमसे लिया जाता है, हमको विशिष्ट कर्मचारी कहा जाता है, तो विशिष्ट कर्मचारी होने के नाते हमारा वेतन भी विशिष्ट के रूप में होना चाहिए, इसलिए हमने वेतन उच्चीकरण का 2800 का मांग किया है। पद नाम परिवर्तित करने का मांग किया है, वह हमारी सेवा नियमावली बन चुकी है, उसमें कैबिनेट में पास करना है, पास करके लागू करवाना है, वो उसकी मांग है। हमारा वेतन यात्रा भत्ता की मांग है, 100 रुपये नियत यात्रा भत्ता हमको महीने में मिलता है, एक दिन का 3 रुपया 33 पैसा होता है। अगर हमारी साइकिल या मोटरसाइकिल का एक पंचर भी हो जाए तो मेरा अंदाज़ा है कि 3 रुपया 33 पैसा में एक पंचर नहीं बन पाएगा, टायर खराब हो जाए तो एक टायर नहीं लग पाएगा। मैं इस शासन और प्रशासन से पूछना चाहता हूँ
कि हम 24 घंटे के वर्कर हैं। यह व्यवस्था तब की है जब हम महीने में एक दिन बुलाए जाते थे तहसील में तो 100 रुपये हमारा नियत यात्रा भत्ता था। आज के परिवेश में हमको दिन भर बुलाया जाता है, दिन में कई बार अपने क्षेत्रों में आना जाना पड़ता है, तहसीलों में आना पड़ता है, तो कितनी बार आप हमको दौड़ाएंगे, 100 रुपये में हमारा काम कैसे चलेगा। इसलिए हम 2000 रुपये पेट्रोल भत्ते की मांग की है।